हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटी नेट एजुकेशन प्रिपरेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोग कर रहे थे, दैट इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग हम लोगों ने डाइवर्सिटीज़ का मीनिंग किया है। डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग ही हम लोगों ने फिजिकल डिसेबिलिटी की डिस्कशन की, लर्निंग डिसेबिलिटी की डिस्कशन की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबल्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग इसका सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज़ मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में डिस्कस जो है वो करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोगों का एक ही टॉपिक बचेगा, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इज़ द साइमल्टेनियस अक्रेंस ऑफ टू और मोर डिसेबलिंग कंडीशंस। यहाँ पर दो या फिर दो से ज़्यादा डिसेबल्ड कंडीशंस जो हैं वो पाई जाती हैं, दैट अफेक्ट लर्निंग और अदर इम्पॉर्टेंट लाइफ फंक्शंस। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो डिसेबलिंग की कंडीशंस होंगी वो बच्चे की लर्निंग के ऊपर या फिर उसकी लाइफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। दीज डिसबिलिटीज़ कुड बी अ कम्बिनेशन ऑफ मोटर एंड सेंसोरी नेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर बच्चों को हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें ब्लाइंडनेस के साथ साथ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की भी प्रॉब्लम हो। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें मेंटली रिटार्डेशन के साथ साथ ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट की भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट एक देख लीजिएगा बच्चों, इन इंडिया केवल एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर कि डेफ ब्लाइंडनेस इज़ अ पार्ट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जहाँ पर कि डेफ और ब्लाइंडनेस को भी मल्टी डिसेबिलिटी का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, कैटेगरी, बट इन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट देर इज़ नो सेपरेट क्लासिफिकेशन फॉर डेफ ब्लाइंडनेस। लेकिन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में इसकी जो अलग से सेपरेट क्लासिफिकेशन डेफ ब्लाइंडनेस की मल्टीपल डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग नहीं की गई है। तो ये एक छोटा सा नोट है, मुझे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लगा, मैंने पढ़ा था कहीं तो मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया। देन बात करेंगे स्टूडेंट्स, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज़ फॉर डीलिंग विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। मल्टीपल डिसेबल्ड पर्सन्स के साथ उनको अपनी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करवाने में आप कौन कौन सी, या उनके साथ आपको डील करने में कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज़ जो हैं वो अपनानी पड़ेंगी। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ये बहुत ज़रूरी है। और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन किसकी तरफ से? टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, एजुकेशन स्पेशलिस्ट्स की तरफ से, मेडिकल स्पेशलिस्ट्स की तरफ से। उनको एक वर्क करना पड़ेगा किसी भी एक पर्टिकुलर प्लान के साथ, एक बढ़िया प्लान के साथ। इसके अलावा प्रोफेशनल्स लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट शुड बी इन्वॉल्व, इन सब की भी हेल्प लेनी चाहिए। उसके अलावा स्कूल मस्ट बी इजीली असेसिबल, यानी कि स्कूल जो है वो इस तरह का होना चाहिए जो कि इन बच्चों की पकड़ तक और बच्चे इस स्कूल की पकड़ तक पहुंच सके। क्लियर, यानी कि दोनों को ही एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपको कहीं लगता है कि हमें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी है तो हमें उनकी भी हेल्प लेनी ही पड़ेगी, उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा एजुकेशन के सिनेरियो में। ठीक है, देन बात करेंगे कि पेरेंट्स के लिए क्या क्या टिप्स हैं, वो किस तरीके से मल्टीपल डिसेबल्ड की हेल्प जो है वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि पेरेंट्स शुड लर्न अबाउट द डिसेबलिंग कंडीशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चों को कौन सी प्रॉब्लम है। और अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे को कोई भी फिजिकली ही कोई मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं, तो पेरेंट्स को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये बच्चा जो मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि फिजिकली तौर पर मल्टीपल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, तो ऑफकोर्स ये डिसेबिलिटी वो बच्चा किस हद तक सोचता है और क्या सोचता है, उन्हें उसकी स्पेशल नीड्स के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। उन्हें ऐसे बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ, एक कोऑपरेशन के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलना पड़ेगा, जैसे कि वो अपने नॉर्मल बच्चों के साथ चलते हैं। उन्हें एनकरेज करना पड़ेगा ऐसे बच्चों को कि इंडिपेंडेंट लाइफ आप लोग भी जी सकते हो। उन्हें अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा हर एक एक्टिविटी में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ ये उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स के मन में, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं दिलाना है बच्चों को। उन्हें उस चीज़
के साथ, उस डिसेबिलिटी के साथ उनको लाइफ लॉन्ग एक बाउंड नहीं करवा देना है, बाउंडेशन में नहीं बांध देना है, ठीक है। ऐसे बच्चों को एक्सप्लोर करने का उन्हें पूरा पूरा मौका देना पड़ेगा। और उसके बाद स्टे इन टच विद डॉक्टर्स, देन पार्टिसिपेट इन सपोर्ट ग्रुप ऑफ अदर पेरेंट्स, यानी कि जो उनके जो क्लासमेट हैं, जो उनके साथ नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी जो इस तरह के जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होंगे, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होंगे, इनके पेरेंट्स को पूरा इन्वॉल्वमेंट रखना इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए, उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। उन्हें खुद, जब तक पेरेंट्स के मन में कोई भी इन्फीरियोरिटी नहीं आएगी कि उनका बच्चा ऐसा है, तो उनके बच्चों के मन में वो इन्फीरियोरिटी कभी भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि पार्टिसिपेट इन सपोर्ट ग्रुप ऑफ अदर पेरेंट्स और शेयर करें एक्सपीरियंसेस को, जो भी उनके बच्चों ने, जो भी वो काम करते हैं या उनके अंदर कोई भी एक अच्छी क्वालिटी है तो वो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। Then keep doing research on assistive devices, यानी कि नए नए जो भी assistive devices आ रहे हैं उनकी वो help लेते रहे। Of course ऐसे parents को बहुत ज़्यादा patience रखनी पड़ती है, specially जब बात आती है slow learners की। और at last, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि always be hopeful, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक पेरेंट्स आशावादी रहेंगे, टीचर्स आशावादी रहेंगे, ऑफकोर्स इस देश का हर एक बच्चा जो है वो आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी।